में क्या हुआ, वो हमेशा ही आती है और मुझे अपशगुन करवा के चली जाती है। चुप रहो केशव। लेकिन मम्मी आज उनके पेट में कुछ गड़बड़ है। पेट में गड़बड़ है क्या मतलब? हाँ, वो ऐसे ऐसे चल रही है। चुप कर, तू भी डैडी की तरह अनाप शराब बकने लगा है। चल निकल यहाँ से, निकल। कोकी कोकी क्या है गंगा मौसी? ये मैं केशव के सामने नहीं बता सकता। अरे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्योंकि एक काम करो, गंगा को अंदर ले जाओ और उसे कुछ खट्टा वट्टा खिलाओ। केशव चुप करो, मजाक की भी कोई हद होती है। देखो गंगा, कोई भारी वजन मत उठाना और कोई गुड न्यूज हो तो मुझे ऑफिस पर तुरंत खबर कर देना। गुड न्यूज मैं तुम्हें अब भी बताती हूँ, देखो। ये क्या है? मैं जानता हूँ, जूनियर गंगा। केशव चुप रहो ना। इसका नाम मैं रखूंगा गंगा, टेलीविजन। हाँ, एकदम सच कहा तुमने, वाकई ये टेलीविजन की तरह टेलीविजन है। यानी इसमें वो सारी घटनाएं दिखाई देती हैं जो सन 2005 में घटने वाली हैं। अच्छा, हाँ। उठा कर लाती है ये कोकी। तुम गंगा के चक्कर में मत आना, ये तुम्हें एक दिन बर्बाद करके छोड़ेगी। ये मेरा बरसों का एक्सपीरियंस है। ऑफिशियल क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आउट। अब बताओ गंगा मौसी, ये क्या है? ये एक क्रिस्टल बॉल है। इसमें सन 2005 में घटने वाली सारी घटनाएं दिखाई देती हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे सच कह रही हूँ, देखना चाहोगी उस वक्त तुम कैसे लगोगी? हाँ दिखाओ तो। अच्छा, ओम रीम श्रीम क्रीम काली माता ओम शू। इसका मतलब मंत्र भी बोलना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए बोल रही हूँ, वरना इसमें एक बटन भी है, देखो। गंगा मौसी, मैं ऐसे दिखाई दूंगी? ए मोटे, मेरी मम्मी को छोड़ वरना मारूंगा। इस मोटे को तुम कैसे मारोगे, वो तुम खुद ही तो हो। मैं? हाँ, 2005 वाले। यानी मैं 9 साल बाद ऐसे दिखूंगा? बिल्कुल। गंगा मौसी, कहाँ से लाई हो ये अजूबा? अरे मेरे एक पागल चाचा है, वो साइंटिस्ट है, ये उन्हीं की खोज है। अरे बाप रे, इसे देखकर तो देखने वाला पागल हो जाएगा। अच्छा गंगा मौसी, सन 2005 में मेरा केशव कैसे दिखाई देगा बताओ ना। कोकी, केशव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब उस वक्त तक वो नहीं रहेगा? लगता तो ऐसे ही है, देखो ना तुम कितनी खुश लग रही हो। देखो तुम्हारा चिंटू। अरे हाँ रे, फिर उस वक्त वो कॉलेज जा रहा होगा। हाँ हाँ। मम्मी, इस वक्त ये लड़कियाँ कहाँ होंगी? बेटे, इस वक्त ये लड़कियाँ अपनी अपनी मम्मियों की गोद में होंगी। गंगा मौसी, हाँ, इसमें दिलबुरा अंकल भी होंगे ना? हाँ हाँ होंगे ना। हाँ। कोकी, हाँ। लेकिन उसका बहुत बुरा हाल है इसमें, देखोगी? दे दे, गरीब को 200-400 रुपया दे दे, दे दे। ए, क्या कर रहा है इधर? देखता नहीं है क्या? मेरी तरह अंधा है, भीख मांग रहा हूँ। हवलदार, तू भी मुझे 1000-1200 रुपया दे दे, एक चाय पीने का। अरे चलो चलो चलो। ए चिंटू, हंसो मत। दिलबुरा अंकल भीख मांग रहे हैं। चुप रहो तुम, बेचारे दिलरुबा जी। गंगा मौसी, उनकी ऐसी हालत क्यों होगी? लगता है शायद प्रेमा जी ने किसी प्रोड्यूसर से शादी कर ली होगी उस वक्त। प्रेमा जी, ये दाढ़ी वाला कौन है? पता नहीं। ओहो गंगा मौसी, मैं क्या देख रही हूँ? अगर बेचारे दिलरुबा जी ने ये देख लिया तो वो अभी से भीख मांगना शुरू कर देंगे। आजकल ऑटो रिक्शा कितना महंगा हो गया हुई माँ, 100 के नोट में से खाली 12 ने बचे हैं। अबे ओ बदमाश, तेरे बाप का नाम कपिल देव नहीं है, कपिल देव नहीं है, केशव कुलकर्णी है। ये क्रिकेट खेलने की जगह नहीं है, समझे? भाग यहाँ से। सॉरी दिलबुरा अंकल। व्हाट यू मीन सॉरी? अगर मेरा थोपड़ा फूट जाता या कुछ कांच फूट जाएगा तो कौन भरेगा? तेरा कंजूस मक्की चूस बाप भरेगा, तेरा बाप भरेगा। इसकी जगह आपको सन 2005 में मिलने वाली है दिलबुरा अंकल। क्या बकवास कर रहा है बे? हाँ, आप सन 2005 में भिखारी हो जाओगे। लगता है अपने बाप की तरह तो छोटा केकड़ा पागल हो गया है। अरे दिलबुरा अंकल, सन 2005 में ना प्रेमा आंटी आपको घर से निकाल देंगी और एक दाढ़ी वाले के साथ शादी कर लेंगी।
अबे छोटे केकड़े, अगर तू कोकी जी का बालक नहीं होता ना तो आज मेरे हाथ से बाल हत्या हो जाती। फिर जो मैंने टेलीविजन में देखा था वो सच हो जाता। टेलीविजन? टेलीविजन क्या चीज है यार? अरे वही क्रिस्टल बॉल जो गंगा मौसी लाई थी और डैडी ने जिसका नाम टेलीविजन रखा था। अच्छा, और क्या क्या देखा तूने इसके अंदर? मैंने देखा कि आप भिखारी बन गए और प्रेमा आंटी एक दाढ़ी वाले के साथ घूम रही हैं। अच्छा हाँ। जा जा खेल खेल बेटा। अच्छा। खेल। सारे ने सारा कुर्ता खराब कर दिया मेरा। सो सर अब जल्दी में वरना अंदर आकर चाय वाय पीते। बट थैंक यू सो मच फॉर द लिफ्ट। अंदर कोई दाढ़ी वाला तो नहीं है? चाचा I'm sweet से देओ, तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हारी डुप्लीकेट चाबी फिर से खो गई क्या? नहीं नहीं डॉल, एक बात तो बताओ, वो गाड़ी में कौन था? प्रोड्यूसर था। क्यों? वो गाड़ी वाला दाढ़ी वाला था। गाड़ी वाला दाढ़ी वाला? हाँ दाढ़ी वाला। हाँ दाढ़ी थी उसकी। क्यों? नहीं नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हुए? चिंटू के बच्चे ने बॉल मारा घुमा के। चलो अंदर जाके चेंज करो। चलो चलो इसको। बट एक्सक्यूज मी डॉल, ये कंफर्म बात था कि वो जो गाड़ी वाला था वो दाढ़ी वाला था? दाढ़ी वाला कंफर्म्ड। वन मिनट। हाँ दाढ़ी वाला कंफर्म था। लेट्स गो। कुकी जी वाह वाह। कुकी जी क्या है ये? मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या कि सन 2005 में मैं भिखारी बनने वाला हूँ? ये आपको किसने बताया? चिंटू ने मुझे बताया है कि आपके पास एक टेलीविजन है जिसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है सन 2005 के बारे में। वो क्रिस्टल बॉल गंगा मौसी लेकर आई थी। अच्छा अब कहाँ है वो? वो लेकर गई। अब जाने भी दीजिए ना दिलरुबा जी, अपने आप को भिखारी के रूप में क्या देखना? मैं अपने आप को देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोकी जी। मैं उस दाढ़ी वाले को देखना चाहता हूँ जो सन 2005 में डॉल के साथ शादी करेगा। अरे लेकिन आप अभी से परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको प्रेमा जी पर भरोसा नहीं है? आज तो है लेकिन सन 2005 किसने देखा है? मैंने देखा है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके फिल्म लाइन में कोई दाढ़ी वाला है? एक नहीं है, कई हैं। हमारे यहाँ यही तो प्रॉब्लम है ना कोकी जी। क्या? कि एक दाढ़ी वाला अगर हिट होता है तो उसके पीछे पीछे सब लोग दाढ़ी उगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आज से आप हर दाढ़ी वाले पर ध्यान रखिए जो प्रेमा जी के कॉन्टेक्ट में है। करेक्ट। लेकिन कोकी जी, वो बंदा शादी तो करेगा सन 2005 में। हाँ, लेकिन दाढ़ी उगाना अभी से शुरू करेगा ना। करेक्ट करेक्ट। हाँ। अब मैं देखता हूँ कि कौन सा दाढ़ी वाला डॉल के आजू बाजू भटकता है। हाँ। ए, ए, ओ नो, कितना घटिया टीवी है, चलता ही नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको बेच कर इसमें थोड़े और पैसे डालकर एक्सचेंज मेला जाकर वहां से दो बैंड का सेकंड हैंड रेडियो लेकर आऊंगा। कौन हमारा? अरे डॉल, तुम इतनी जल्दी आ गई? मुझे एक प्रोड्यूसर साइन करने के लिए आ रहा है। कौन? रॉकी कपूर नाम है उसका। दाढ़ी वाला है क्या? आई डोंट नो, दाढ़ी हो भी सकती है उसकी, लेकिन दिल इतनी बड़ी फिल्म बना रहा है वो, इतनी बड़ी कि बहुत सालों बाद जाकर कंप्लीट होगी। इतनी बड़ी फिल्म है। कितने साल के बाद? 8-9 साल के बाद आई थिंक। तुम्हारा मतलब कि 2005 में? ऑलमोस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 2005 में वो तुमसे शादी कर लेगा दाढ़ी वाला और मैं भिखारी बनकर रोड पे आ जाऊंगा। शादी? अरे फिल्म। नमस्कार, प्रेमा शालिनी जी यहाँ रहती है? आओ दाढ़ी वाले, आओ आओ। यहाँ रहती है लेकिन वो साइन नहीं करेगी। पिक्चर में प्रॉब्लम है? पिक्चर में क्या बेटा, तेरे सारे प्रोजेक्ट में ही प्रॉब्लम आने वाली है अभी तो। अरे मगर मैं अभी साइन नहीं करवाने वाला हूँ। तो फिर कब करवाने वाले हो? एक बार काम हो जाने तो फिर साइन करवा लेंगे। ये 2005 में तुम्हारे साथ शादी करेगा? शादी इनके साथ? थैंक यू सो मच। आप लोग बैठे बैठे क्या कर रहे हो? शट अप, चाय वाय पिएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, देख एक बात तू कान खोल के सुन ले, ये साइन नहीं करेगी तो मैं तुम्हारा टीवी भी रिपेयर नहीं करूंगा। टीवी? हाँ, हमारी कंपनी का रूल है कि टीवी रिपेयर होने के बाद कस्टमर्स की साइन ले लो। पिक्चर में प्रॉब्लम है क्या? अब पिक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो सामने पड़ा है टीवी, जाओ रिपेयर करो। मेरे लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्यों मारा हो तुमने उसको? सॉरी। व्हाट सॉरी? हेलो प्रेमा जी, आई एम सॉरी, मैं जरा लेट हो गया। आप रॉकी कपूर फिल्म प्रोड्यूसर? मिस्टर रॉकी भी? हाँ तो बैठिए ना, बैठिए बैठिए, कुछ चाय वाय लेंगे। एक मिनट, आपकी दाढ़ी? हाँ, आज सुबह में ही शेव की है मुहूर्त के लिए।
फिर से बढ़ाएंगे जी, कल से? फिर कब काटेंगे? जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, यानी कि 2005 में? हो सकता है। नहीं केशव, जरा सही ढंग से खाओ। हाँ ठीक है डैडी। पता है आप सन 2005 में गायब हो जाओगे? क्या बकवास कर रहा है? तो फिर आप टेलीविजन में क्यों नहीं दिखाई दिए? कौन सा टेलीविजन? अरे वही टेलीविजन जो गंगा मौसी लाई थी। अरे क्रिस्टल बॉल, उसमें मैं, मम्मी, दिलबर अंकल सब दिखाई दे रहे थे, खाली आप गायब थे। कोकी, आज इस लड़के को साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाओ। कोई जरूरत नहीं है केशव, वो सच कह रहा है। तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? हमें क्या पता, शायद तुम संन्यास लेकर कहीं चले गए होंगे। कोकी जी कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। मुझे आपसे बहुत अर्जेंट काम है। क्या बात ये है कि क्या कर रही? अरे आप यहाँ बैठे हैं, कमाल है, मैंने आपको देखा ही नहीं। हाथ मत लगाना मेरे बड़े को, हाथ मत लगाना। आप यहाँ बैठे हैं क्या? आज आप लेट जाएंगे? अरे मैं क्यों फिर से लेट हूँ, मैं अभी अभी तो सोकर उठा हूँ। मेरा मतलब है आज आप ऑफिस लेट जाएंगे। कोकी जी, मुझे आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। प्राइवेट है? बहुत प्राइवेट है। तो चलिए अंदर चलते हैं। चलिए चलिए। एक्सक्यूज़ केशव। एक्सक्यूज़। आइए दिलरुबा जी। चिंटू एक बात बता, ये दिलरुबा का बच्चा टेलीविजन में दिखाई दे रहा था क्या? हाँ वो तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन आप गायब थे। अरे कितनी बार गायब करेगा मुझे, जाइए यहाँ से। कोकी जी, ये कुछ दाढ़ी वालों के नाम और पते हैं जो आजकल डॉल के कांटेक्ट में हैं। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आप मुझे बताना कि इनमें से कौन सा है जिसको आपने वो टेलीविजन में देखा। ठीक है। कहीं 2005 में ये दिलरुबा का बच्चा और कोकी मिलकर मेरा पत्ता तो नहीं काट देंगे? चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आज आप फ्री हैं? हाँ, केशु दफ्तर चला जाएगा ना, उसके बाद मैं फ्री हूँ। तो हम लोग कहीं मिले? कहाँ? किसी बगीचे में। ठीक है, ये लीजिए। फिकर मत करना केशव, फिकर मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा, तू जानता है गोखले, वो दिलरुबा का बच्चा सरेआम कोकी से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। केशव, औरतों के साथ सिर्फ दोस्ती बढ़ाने से कुछ नहीं होता। क्या मतलब? केशव मेरी तो कई औरतों से दोस्ती है। अच्छा तेरी? हाँ हाँ मेरी। अरे एक को लेके मैं पिक्चर भी गया था। ओहो, फिर क्या हुआ? लेकिन वो अपने साथ अपने बच्चे और पति को भी लेकर आई। हाँ यार, मियाँ बीबी अंदर पिक्चर देख रहे थे और मैं बाहर बेबी सिटिंग कर रहा था। हंसना मत। इन शॉर्ट, औरतों के साथ सिर्फ दोस्ती बढ़ाने से कुछ नहीं होता। अरे तू जानता है चिंटू ने मुझे क्या कहा? क्या? सन 2005 में सिर्फ दिलरुबा और कोकी रहेंगे, मैं गायब हो जाऊंगा। केशव तेरा बच्चा भी धीरे धीरे तेरे ऊपर जा रहा है। अरे उसने ये सब क्रिस्टल बॉल में देखा। क्रिस्टल बॉल? वो गंगा कहीं से उठा कर लाई है ना? केशव या तो तू अपना घर बदल दे या गंगा मौसी का। गोखले सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि कोकी अपना पति बदलना चाहती है। केशव एक आइडिया है। क्या बात है गोखले, मैंने तुझे पूछा तक नहीं और तेरे दिमाग में आइडियाज आने लगे। हाँ केशव। हाँ बोल बोल बोल। तू भेष बदल कर उनके ऊपर नजर रख। हो वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। ओके गोखले ओके, मैं भेष बदल कर उन पर नजर रखूंगा और तू भेष बदल कर मुझ पर नजर रख। डन। दिलरुबा जी प्लीज, मैं थक गई हूँ। आइए, वैसे बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। क्या? ये टोपी और गॉगल में आप बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की छोटी बहन लग रही हैं। दिलरुबा जी प्लीज, ये ऐसे सड़ियल जोक ना आप प्रेमा जी को ही सुनाना, मैं बोर हो गई हूँ। अरे कोकी जी सिर्फ दो चार ही दाढ़ी वाले बच्चे हैं। अरे सुबह से इतने दाढ़ी वालों को देख देख के मैं तो तंग आ चुकी हूँ। कहा ना सिर्फ दो चार ही बैलेंस है। और आप प्लीज मुझे सिर्फ वही दाढ़ी वाले दिखाइएगा जो प्रेमा जी के कॉन्टेक्ट में है। तो वही तो दिखा रहा हूँ ना। क्या सुबह से आपने मुझे एक कुली, एक भिकारी, एक मवाली, ऐसे लोगों को दिखाया? कोकी जी ये सब लोग पहले फिल्म प्रोड्यूसर थे ना। ओ आई सी। गोखले गोखले मैं कैसा लग रहा हूँ? मेकअप वाले ने दाढ़ी वाड़ी तो ठीक से लगाई है ना? अरे यार केशव, हमारे मेकअप मैन ने ऐसा काम किया है, असली बाल निकलेंगे लेकिन ये दाढ़ी, अरे मूछ नहीं निकलेगी। एक मिनट केशव, वो जो कुछ भी हो मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे रही हूँ। क्यों? लेकिन क्यों? क्या केशव कभी भी घर आ पहुँचेगा? एक मिनट। ओके ओके, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, मैं बोर हो गई। कुकी जी, दिलरुबा जी मिल गया। ओके ठीक है, मिल गया वो दाढ़ी वाला, मिल गया वो। देखिए केशव क्या है,
कोकी भाभी और दिलरुबा। वो देखिए उसी को मैंने टेलीविजन में देखा था, देखिए हमारी तरफ देख रहे हैं। बदमाश कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कमीने, मैं तेरी बोटियां नोच के कुत्तों को डाल दूंगा। मैं कुत्तों को तेरे पीछे लगा दूंगा। सुनिए दिलरुबा जी, आपको जो कुछ भी करना है ना, जरा प्यार से कीजिए, नहीं तो आपको अभी से भिखारी बनना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ आप बताइए ना। आप मेरी बात मानेंगे तो आप उससे दोस्ती कर लीजिए। अच्छा, उससे ये पता कर लीजिए कि वो प्रेमा जी के बारे में क्या सोचता है। मैं चली। ओके, तो निकल, मैं संभालूंगा, निकल। एक्सक्यूज मी, आपका फेस बड़ा फैमिलियर लग रहा है, लगता आपको कहीं देखा है। मैं तो आपको रोज देखता हूँ। कहाँ? दूध की लाइन में। अच्छा, तो मतलब आप इसी एरिया में कहीं रहते हैं? जी नहीं, मेरा एक बहुत ही अजीज दोस्त इस एरिया में रहता है, वो प्रेमा शालिनी नाम की खूबसूरत अभिनेत्री है। हाँ? उसकी बगल में रहता है। बगल में? मेरा मतलब है बाजू के फ्लैट में रहता है। अच्छा, तो आप खुद भी जानते हैं प्रेमा जी को? प्रेमा जी को जानता हूँ। अरे, मेरे और प्रेमा बेबी के बीच में बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। कितने अच्छे? अब ये बीच रास्ते में बताने की कोई बात है? चलो, फिर भी आप हार्मलेस किस्म के इंसान लग रहे हो, मिक्सचर किस्म के इंसान लग रहे हो, इसलिए बताने में कोई हर्ज नहीं है। मैं और प्रेमा बेबी रोज मिलते हैं। कब? जब उसका हस्बैंड बाहर होता है। क्यों? क्यों? अरे, हमारी मर्जी। और कहा? प्रेमा बेबी के घर में। और ये क्या, कब, क्यों और कहा? तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं, ऐसे ही अंकल, ऐसे ही। अच्छा, एक बात बताओ जी। अभी अभी जो औरत तुम्हारे साथ थी वो कहाँ गई? वो घर गई। अच्छा, वो कौन थी? वो मेरी पत्नी थी। क्या? आप क्यों इतना चौंक रहे हैं सर? आप क्यों इतना चौंक रहे हैं? इतनी खूबसूरत औरत और तुम्हारी पत्नी? तो उसका पति कौन सा स्मार्ट है। ठीक है, ठीक है। ओहो, प्रेमा बेबी को मिलने का टाइम हो गया, शाम को 7 बजे मिलने का वादा था। अच्छा, मैं चलता हूँ। लगता यही वो दाढ़ी वाला है जो सन 2005 में मुझे भिखारी बनाएगा, यही है। तो इसको फॉलो करो। प्रेमा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। ये देखिए प्रेमा जी, ये देखिए। लेकिन आपने दाढ़ी मूंछ उगाई है, केकुजी, सब कुछ ठीक तो है? नहीं प्रेमा जी, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। प्रेमा जी, मैं आपके साथ बहुत ही जरूरी, खास, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। बात करना चाहते हैं? इतनी सॉरी? इतनी सॉरी? अंदर चल के बात करें। श्योर। जरूरी, अर्जेंट, क्या खास? डॉल के साथ दाढ़ी वाला, मतलब वो टेलीविजन वाली बात सही निकलने वाली है। मैं 2005 में पागल हो जाऊंगा। मम्मी, 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 क्या है चिंटू? दिलबुरा अंकल आप भिखारी हो गए क्या? हाँ, देखो मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ। क्या कर रहे हैं आप दिलरुबा जी? मैं अभी से भिखारी बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या हाल हो गया आपका? ऊपर वाला के नाम पे 1000 रुपए दे चाय पीने गए बाबा। दिलरुबा जी, इसका मतलब प्रेमा जी और वो दाढ़ी वाला? वो दोनों एक दूसरे को रोज मिलते हैं। मैं घर से बाहर निकलता हूँ, दाढ़ी वाला अंदर घुस जाता है। अरे चुप हो जाइए, आप मत धोके रो रहे। ची 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 ची, हिम्मत से काम लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, तो टेलीविजन में आपने देखा कि हम दोनों साथ हैं? टेलीविजन गया चूल्हे में। आप पहले घर जाइए और अपने पीवी से पूछिए कि ये माजरा क्या है, कौन है ये दाढ़ी वाला और उसका उसके साथ क्या ताल्लुक है, और अगर हो सके तो उसे ढूंढ के, उस दाढ़ी वाले को ढूंढ के पुलिस के हवाले कीजिए। उसको ढूंढना क्या, वो तुम्हारे घर पे ही बैठा होगा ना। तो आप यहाँ क्या कर रहे? जाइए, जम के पिटाई कीजिए। आप मर्द है ना? हाँ, फिर जाइए और उसका एक दांत तोड़कर मुझे दिखाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके। कॉकी, कॉकी, मैं हूँ, मैं पहचानती भी नहीं है। क्या हुआ गंगा मौसी, कोकी घबराए हुए क्यों लग रही हो? कोकी, वो क्रिस्टल बॉल था ना, वो बेलीविजन। हाँ, बेलीविजन, वो खराब निकला। क्या कह रही हो तुम? हाँ, वो 2005 की घटनाएं बताने के बजाय वर्तमान की घटनाएं बता रहा है। क्या? हाँ, तुम्हें याद है बेलीविजन में हमने प्रेमा जी के साथ एक दाढ़ी वाला देखा था? हाँ, हाँ। अरे वो तो केशु ही था। केशु? हाँ,
लेकिन केकु जी, आपने इक्की विकी भेस क्यों बदला है? क्या करूं प्रेमा जी, मैं क्या करूं? पिछले कई दिनों से दिलरुबा का बच्चा मेरी कोकी के पीछे हाथ धो के पड़ा है, इसलिए उस पर नजर रखने के लिए मुझे एक केशवचंद जासूस बनना पड़ा। अबे दरियल, तू मेरी बीवी से शादी करेगा 420, वो भी सन 2005 में? क्यों ठहर जा तू? कोकी जी, आपने एक दांत बोला था, मैं दो दांत लेकर आया हूँ, साथ में मुझे भी। मैं